उसको ये दोनों जाएंगे बस ये कहेंगे हमने शादी कर ली बस, झूठी होगी ना वो शादी, सच्ची नहीं है तो झूठी है। जब अंकित के नाम का सिंदूर है, अंकित के नाम का सब कुछ होगा तो क्यों झूठी है शादी? तो देखो मैं भी तो कल को ये जाके नहीं, ये चीज इसने भी कह दिया है, झूठी होगी शादी। सुन देख, उस दिन ये आई थी और तेरी सास के सामने ये बात हुई थी कि इसका बाप चाहता है कि तेरे से शादी हो, ठीक है, तो शादी तो करनी नहीं, इसको रहना अंकित के साथ, ठीक है, और इसका बाप चाहता है तेरे को, ठीक है, तो भैया चाल चलनी पड़ेगी हमें। यहाँ कैसे सो रही है? क्या हो गया आंटी? आप हाँ? बैठो बैठो। यहाँ कैसे सो रही है तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे आई हुई थी थोड़े घूमने के लिए, तो ऐसे। तो तू कैसे सो रही है समर के कमरे में? तो पराए कमरे, वो आ जाए अभी, लेट जाए। नहीं नहीं, वो थे नहीं यहाँ पे, तो वो बोल के कहती कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो तुम यहाँ पे मतलब थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, इसलिए आप बताओ। तो मैं तो आई थी ऐसी बात करने आई थी। आप गए दोबारा पापा के पास? गए, बात नहीं जा पाई ना। क्या बात ही, जब तू वहाँ है नहीं तो कैसे बात करूँगा। अरे मेरे को तो खुद परेशान कर लिया है आंटी, बताओ। देखो मैं पूरी बात बताती हूँ क्या हुआ उस दिन। ऐसा हुआ, आप लोग गए, ठीक है, तो मैं लेके चली गई राधिका को, तो उनको शक हो गया कि मैंने किया कुछ भी, है ना, आप लोगों को मैंने बुलाया ना, मेरा फोन वोन चेक कर लिया कि मैंने फोन किया था आपको। उन्होंने फिर मेरे को बहुत मारा, देखो ये निशान देखो, बहुत मारा उन्होंने मेरे को कि हाँ भाई नहीं तू नहीं किया, तू नहीं किया। तो मैं भगते भगाते यहाँ आ गई कि चलो ये लोग मुझे बचा लेंगे, रख लेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि गुनगुनी घर जाती तो वो मेरे पे मतलब चिढ़ती है, वो मुझसे पता नहीं किस चीज़ से, है ना। तो मैंने रख लेंगे, मैंने इतना ही बोला मैं कहीं भी सो जाऊंगी, मुझे बस थोड़े दिन के लिए यहाँ रख लो, फिर मैं चली जाऊंगी कहीं, अंकित जैसे आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी सास ऐसे मेरे को बोलती है, चढ़ती है, मार रही थी कि भाई, मैंने बोला मैंने तो तुम्हारा कितना साथ दिया बताओ, और मैं क्या करती, मेरे से मैंने जितना हुआ मैंने। समर क्या कह रहा था? हैं, उन्होंने तो वो तो मतलब चलो थोड़ा बहुत वो समझते, लेकिन फिर वो उनकी सास बोलने लगी तो वो चिढ़ने लग गए, वो भी बोलने लग गए कि भाई नहीं ये वो। तो मैंने मेरे से जितना हुआ मेरी क्या गलती है बताओ, है उस दिन मैंने ये सब किया, इस वजह से मुझे मार के निकाल मतलब मारा उन्होंने। अब मैं उस घर में कितना रहूं बताओ, उनको ये चीज़ पता चल गई थी ना कि मैंने किया। अंकित का तो मैं जल्दी से जल्दी करवाऊंगी बेटा, बस वही है कि ना वो आ जाए, तो मैं समर से भी बात करती हूँ, समर को भी समझाती हूँ कम से कम। समर को कम से कम थोड़ा तो समझना चाहिए कि चलो ठीक है हमारी हेल्प कर रही है तो रह गई, कोई बात नहीं कहीं भी रख लो, सास रह रही है तो थोड़ी सी जगह में मैं नहीं कहीं एडजस्ट हो सकती। एडजस्ट तो उसकी मम्मी का संगी हो जाओ, कौन सी आफत आ रही है बताओ, देख लो ऐसे करने बताना कि हाँ मैंने, जबकि खुद तुम्हारा ही साथ देते हुए तुम्हारे चक्कर में वहाँ से भी निकल गई। मैं तो समझा, सब चीज में बुरी हो गई, सब चीज में सब समझा रही हूँ, तू भी बेटी सी यही, तेरे को कौन सा वो बहू। उन्होंने भी मेरे को इतना मारा, आंटी ने भी कि हाँ नहीं तू निकल यहाँ से जबरदस्ती, बताओ मैंने उस दिन इतना साथ दिया, उन्होंने भी मेरे को मारना पीटना चालू कर दिया, कहती है नहीं तू यहाँ नहीं रुकेगी, तेरे बाप को पता चलेगी ये बात तो वो फिर बदला लेने को आ गए थे, वो यहाँ पे आए थे उस दिन। अच्छा हाँ, फिर मैंने मतलब यही नौटंकी करी कि मैं उनके साथ हो गई हूँ, तो इन लोगों को फिर यही लगा कि फिर आंटी ने मेरे को मारा पीटा कि नहीं तू यहाँ नहीं रहेगी, निकल यहाँ से, पुलिस कंप्लेंट ये वो, तो मुझे भगाने लग गई। तो मैंने कहा नहीं मैं यहीं रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, अब मेरे को निकालो क्योंकि मैं घर तो जाऊँगी नहीं, अब अगर घर गई तो मुझे और मारेंगे, कोई फायदा नहीं वहाँ जाके। मैंने कहा कोशिश करो आप लोग निकालो राधिका के लिए, बताओ मैं क्या करूँ अगर मैं उसको निकाल। मैंने उस दिन कोशिश करी, वो उठ होश में ही नहीं आ रही कैसे भी, या तो आप उसको यहाँ ला के नहलाओ धुलाओ, शायद थोड़ा कैसे लेके आओ। अब तो तेरे बहाने से तो हम चले भी गए थे अकेले, तो तेरा बाप ऐसे ही नहीं घुसने देगा घर में, और जब वो होश में नहीं तो गेट वेट कौन खोलेगा? मैं क्या बता, ताला मार के जाएगा तो बता। मैं बोला मैंने इन लोगों को भाई कि कुछ कोशिश करो, वो भी आराम से यहाँ पे सो रहे थे। तेरा बाप क्या कह रहा है, समर के संग नोट समर के संग शादी करने को? हाँ ऐसे बोल रहा है, तो मैंने नौटंकी कर लेते हैं कुछ। मैंने बोल दिया कि मैंने पापा से, मैंने पापा मेरी शादी करा दो समर से, मैं इन्हीं के साथ रहूंगी वो। तो मैंने कहा चल ठीक है, तेरा बाप जो चाहता देखो वो तो असलियत तो तेरे को भी पता है कि जब तुझे रहना अंकित के संग है, तो कौन सा शादी करा रहे हैं कि जब तक राधिका निकल जाए किसी तरह। हाँ हाँ, मैं तो कह रही हूँ कि कुछ ड्रामा कर लो, उसको निकलवा लो और अंकित को बुला दो, सब तो अपने अपने घर में सेटल हो जाओ। काम करते हैं फिर, है ना, मैं समर से बात करती हूँ। हाँ आप उनसे बात, वो तो सब वो ना अभी तो उसकी टेंशन है, ठीक है, और उनकी सास और भड़काती रहती है। वही तो ठंडे दिमाग से समझाना, अपना काम निकलवाना बताना, यही तो बताना, गधे को भी बाप बनाना पड़ता भैया। वो खुद ही भड़काती रहती है, उनको समझती नहीं है जरा सा भी कि चलो ठीक है भाई मेरी कुछ लड़की। काम ऐसे होते हैं बेटा जिसमें हर बात पे लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वो कुछ काम प्यार से या कुछ ऐसे करे जाते हैं जो काम भी हो जाए और नुकसान भी किसी का। वो और गुनगुन दोनों पता नहीं क्यों ऐसे गर्म रहते हैं ना, कि बस पता नहीं क्या गुनगुन क्या मिल जाता है गर्म रहने से। देख लूंगी, और रही अंकित की बात उसकी भी रही,
लेकिन अब तो राधिका का घर समर से मैं बात कर लेती हूँ। समर राधिका क्या है, एक घर के पीछे एक और गेट है, वहाँ से चल सकते हैं, वहाँ से चल लेना, वहाँ से बस उसको यहाँ ले आओ, अपने घर ले आओ, अपने आप ऑटोमेटिकली 2-3 दिन लगेगा, वो सब ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। डॉक्टर के यहाँ तो ले जाने की जरूरत पड़ेगी अगर खाना पीना कुछ। हाँ वो थोड़ा बहुत आप दिखवा लेना वैसे वो, क्योंकि मैं देखा है पापा बोलते हैं जब इंसान अपने वहाँ पहुँच जाता है। घुमाएंगे, मैं समर को समझा देती हूँ कि बस हमें एक चाल चल रही है ताकि राधिका बाहर आ जाए, ये हम तीनों चारों जनों के बीच में रहेगी, क्योंकि वो ऐसे नहीं निकल पाएगी वहां से। मम्मी को भी मेरे को समझाना पड़ेगा, वो तो समझती ही नहीं है। अरे नहीं, अगर वो बीच में बोल पड़ी तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उनको समझाना पड़ेगा कि हम सब कुछ कर रहे हैं राधिका के लिए, समर राधिका का है, राधिका समर की है और तू भैया अंकित की है। तो ऐसा करते हैं, फिर समर को बुलाती हूँ मैं जो भी। हाँ हो सकता है वो अपनी मम्मी के पास हो, उधर कहीं बैठे होंगे वहाँ बाहर। चल फिर मैं देखती हूँ, बुलाती हूँ या बुला के लाएगी तू? आप ही चले जाओ, मेरे से तो बड़की रहती है, मैं बुलाने जाऊंगी तो वो भेजेंगी भी नहीं मेरे पास। तेरी बात सारी हो गई है, सारी तूने बता दिया है, मैंने भी समझा दिया, फिर भी वो नहीं समझ रही इस बात को। वो तो मेरे को बार बार तेरे बाप को गर्म कर देती है, वो उल्टी हरकतें करता है। बस मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सब कुछ डाउन हो जाए, ठंडी ठंडा हो, वो घी डालने का काम। बस पता नहीं क्या चाहती है, वो तो समझ में नहीं आता क्या चाहती है वो, बेटी को लाना चाहती है, क्या करवाना चाहती है, यही समझ नहीं आता। कभी इधर लुढ़क जाती है, कभी उधर हो जाती है, क्या करने लगती हैं। चलता लड़ाई झगड़े से काम नहीं चलता, कुछ काम प्यार से निकलते हैं, हर जगह नहीं भैया, झुकना भी पड़ जाता है, अपने बच्चों के लिए झुकना भी पड़ जाता है, लेकिन ये समझ नहीं आता मैं क्या समझाऊंगा। बैठे होंगे वहीं पे सास दामाद, दोनों बातें चुगलियां कर रहे होंगे दर दर की, और क्या। वो नहीं अगर बैठेगा वहाँ साथ में तो फिर वो उल्टा सीधा शक करेगी, अगर यहाँ पे। मैं कौन सा कह रही हूँ यहाँ पे लेटो, मेरा क्या मतलब भाई, मेरे पास मत बैठो, मैं तो बोलती नहीं हूँ। लेकिन वही बार उसका जब मैंने कहा था अंकित को, जब तो समर आया था जब उसके हाथ मैंने ही जोड़े थे, तो कह रहा नहीं मैं लाता हूँ, तो वो बुरा नहीं है दिल से, वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो क्या करे फिर, वो हो जाता है, वो भड़क जाते हैं बस लोगों की बातें सुन सुन के, और कुछ नहीं उनका। अब बेशक तू एक हफ्ता भी रही है, उसने तेरे को कभी कुछ गलत कहा है? नहीं कहा, कोई मतलब ही नहीं है, बहुत सही है वो, लेकिन वो ये ना कि इंसान बार बार एक ही बात अभी वो सुन नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या करके आ जा समझ। हां क्या हो गया, गई नहीं? अरे बात तो सुन बैठ के, इधर क्या इधर हो जा, इधर हो, मेरी बात सुन बैठ। हाँ, बोल। किसकी बातों में आ रहा है, मेरी बात सुन। देख हाँ। उस दिन ये आई थी और तेरी सास के सामने ये बात हुई थी कि इसका बाप चाहता है कि तेरे से शादी हो, ठीक है, तो शादी तो करनी नहीं, इसको रहना अंकित के साथ, ठीक है, और इसका बाप चाहता है तेरे को, ठीक है, तो भैया चाल चलनी पड़ेगी हमें। क्या चाल चलनी? चाल ये चलनी है, देख हमें राधिका को छुड़ाना है। अब राधिका के लिए तू क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है, मैं भी कुछ भी, लेकिन इसकी एक शर्त है कि मुझे अंकित ला दो, उसकी जिम्मेदारी मैंने ली है, लेकिन इसके बाप के आगे हम उजागर नहीं कर सकते ना कुछ भी बात। तो ये चाल चलेंगे कि तू और ये राजी हो गई है और तू जाएगा घर इसके साथ में, तू लाएगा राधिका को, क्योंकि उसका बाप तेरे को, इसका बाप ना तेरे को जाने देगा, मुझसे शादी करनी पड़ेगी। देखो ये क्या बोल रही है, अरे शादी ऐसे नहीं है, दिखाना पड़ेगा बस। देख मांग में सिंदूर होगा, हाथों में चूड़ी, जो कुछ भी होगा सुहाग के नाम का, वो तो अंकित के नाम का है। बस ये हाँ ना कहने में तेरे को कोई बस ये होना चाहिए कि हाँ मैंने शादी कर ली, प्रूफ कर लोगे ये मेरे पीछे पड़ जाएगी तो? नहीं पड़ेगी ना, बैठे है ना, जब उसे उसे करनी नहीं है तेरे से। अभी उस दिन तो इतना ड्रामा कर रही थी, अपने बाप के आगे कर रही थी वो, और वहाँ उसको टॉर्चर करेगा राधिका को, वो उसको वहाँ उन्हें वहाँ मेरे पापा वहाँ उसे दिक्कत ना करे, मैं इसलिए उनके सामने ड्रामा करती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। चक्कर पहले ही हो चुके तेरे आने से पहले, तेरे सास के सामने सारी बात हो चुकी है, ये चीज पहले उनको मैंने बोल दिया, लेकिन वो तो मेरे पे भड़क जाती हैं उल्टा। पहले उसका बाप चाहिए रहा तेरे से हो जाए, पर ये नहीं चाहती, ये कहती है मेरी शादी अंकित से हुई है, मैं अंकित के साथ में ही रहूंगी, और इससे अच्छी बात क्या होगी ये बता दे। अब तुझे राधिका लानी है नहीं लानी ये बता दे मेरे को। लानी तो है बस, फिर तो मुंह से बोलने में कुछ जा थोड़ी रहा है, जब हम बैठे हैं हम बोल रहे हैं ना, नहीं तो फिर ले आओ भैया जैसे मर्जी ला सकते हो। ऐसे तो देखो मैं साफ साफ कह दूं, क्योंकि मैं उस घर में रह चुकी हूँ, आप लोग कितनी भी कोशिश कर लेना नहीं ला पाओगे, चाहे ईट से लेके कहीं कुछ भी पैसा वैसा सब लगा लो नहीं ला पाओगे, कुछ भी कर लो, पुलिस थाना जो मर्जी, तेरी इज्जत भी होगी तेरा सब कुछ बस, और उस घर में मेरे ही थ्रू जा सकते हो, चाहे कोई भी चले जाओ, ऐसे वो ना तो वो घुसने देंगे ना। हो रही है एक बात बता, लड़की चाहिए उन्हें ये ड्रामा नहीं चाहिए, लगता है खुश है आराम से अकेले रह के, क्या बोल राधिका ही होगी तो जमाई का क्या करेगी घर के, ये बता दे मेरे को, क्या चाहती है वो तो।
हाँ तो ठीक है, अगर राधिका की मम्मी एग्री हो जाती है तो ठीक है, कर लेंगे। तो एग्री है वो तो पहले दिन ही बोल दिया था मैंने, इसने उन्होंने खुद कहा था कि मैं भी साथ दूंगी अंकित को लाने के लिए तेरे पास, मैंने बोला था, उनने बोला था कि गुनगुन को, मैंने कि मैं रही समझाने वाली गुनगुन को, मेरी तो बहुत बात मानती है, तेरे को भी पता है इस चीज़ के लिए, मैंने उसका कहाँ साथ नहीं दिया है। रुक जाओ, मैं राधिका की मम्मी को बुला के ही लाता हूँ। बुला के लेके आ, समझा के लेके आना कि पहले चिल्लाए ना, ठीक है ना, जल्दी से की तरफ में भड़कने और आ ये आगे बताओ इनको क्या हो गया। देखो मैं एक बात बैठो तुम इधर, आपको ये पता है सारी बात कि जब इसने बात करी थी तुम्हारे सामने कि इसका बाप ये कह रहा है कि समर के संग शादी करने को बोला है, बोला है इसने, क्या कहा था कि मैं अंकित से प्यार करती हूँ, अंकित से शादी हुई है बोला था, ठीक है ना, और अंकित कैसे आएगा यार, मैं बात करूँगी गुनगुन बात करेगी, ठीक है चलो तुमसे खुंदक खाते, लेकिन इतनी वो बुरे नहीं है कोई भी कि नहीं मानेंगे। अब हमें लानी है राधिका, राधिका कैसे आएगी, राधिका ये छुड़ाएगी, और इसका बाप चाहता है समर के साथ, तो हमें झूठा खेल खेलना है। अच्छा ये झूठा खेल खेल रहे हैं यहाँ पे? हाँ मेरे को लगा उस दिन मैंने बोला, उस दिन मैंने किया, समझाए थे आप समझते क्यों, मैंने उस दिन आप लोग लिए बुलाया छुड़वाया तो कहते हैं कि कौन सा तुमने छुड़वा दिया, बताओ अगर ये गलत होती तो ये हमें बुलाती वहाँ, मेरे को आप एक बात, अब आप एक बात बताओ, अभी यहाँ के बोल रही मेरे को समर से शादी करनी है, समर से शादी, तो वो अपने बाप के आगे तो बोलेगी ना, बाप नहीं था तब इसका, तो वो भैया उसके बाप का कुछ नहीं पता, कब आके बैठ जाता कब क्या कर लेता है, तुम्हें भी पता है इस चीज को, उसको ये दोनों जाएंगे बस ये कहेंगे हमने शादी कर ली, बस झूठी होगी ना वो शादी, सच्ची नहीं है तो झूठी है, जब अंकित के नाम का सिंदूर है, अंकित के नाम का सब कुछ होगा तो क्यों झूठी है शादी, तो देखो मैं भी तो कल को ये जाके नहीं, ये चीज इसने भी कह दिया है हाँ झूठी होगी शादी, वो झूठी है ना, तो तब राधिका को छुड़ा, तब राधिका को निकाल के लाएंगे, ये वहीं रह जाएगी, राधिका आ जाएगी, राधिका समर के संग आ जाएगी बस, लेकिन हमें पीछे से ध्यान इसका भी रखना, फिर हमें अंकित की और गुनगुन की बात करनी है, ये वो तो मैंने इसको बोला कि हम करेंगे तेरी बात, कर नहीं रही तो यहाँ सपोर्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो इसका बाप इसको देखो जरा मार के देखो कितने निशान बना रखे हैं, इसको इतना मार रखा पीछे से, क्या ही बाप है बताना जरा, अब वो क्या करेंगे, तो बात वो गड़बड़ हो जाएगी, अब आ गई मेरे को समझ, जो आप कह रहे हैं मेरे को बिल्कुल समझ आ गया, तो वही चीज है जो आप कहोगे मैं वही करूंगी, अभी अभी प्यार से ही काम लो, ठीक है बस, ठीक है जैसा आप कहोगे वैसा ठीक है, मैं वही चाह रही हूँ, ठीक ठीक है, तो बाकी देखते हैं और फिर मैं हम जल्दी से जल्दी अब कोशिश करते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा टाइम नहीं खींचना।